आईएएस पूजा सिंघल मामले में अब कुछ बड़ा होना तय हो गया है, जो शासन प्रशासन और झारखंड के लोगों को हिलाकर रख देगा। हेमंत सोरेन के करीबी रहे रवि केजरीवाल और पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा के ताबड़तोड़ खुलासों से के सफेद पोशों से बचना मुश्किल है। ईडी के सूत्रों की माने तो जेएमएम के पूर्व खजांची रवि केजरीवाल ने पूछताछ में पार्टी का पूरा खजाना और तरह तरह का ब्यौरा उपलब्ध कराया। जेएमएम को मिलने वाले चंदे के बारे में भी उसने बताया है। ईडी को संभवतः बड़े राजदार रवि केजरीवाल ने झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन परिवार के कारोबार खनिज पट्टा जमीन मकान के अलावा सभी चल अचल संपत्ति की जानकारी दी है। उसने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बेहद करीबी अमित अग्रवाल की पोल भी खोली है। पूजा सिंघल व चार्टर्ड अकाउंट सुमन सिंह की गिरफ्तारी के बाद अब सरकार के बड़े अधिकारी भी ईडी के निशाने पर हैं। बहरहाल मनरेगा से मनी लॉन्ड्रिंग तक होते होते अब ईडी की जांच अवैध खनन के काले कारोबार तक आ पहुंची है। संभव है कि अगले एक दो दिनों में प्रवर्तन निदेशालय कोई हड़कंप मचा देने वाली कार्रवाई करे। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।